हिंदू धर्म में भगवान शिव को त्रिदेवों में गिना जाता है। भगवान शिव को कोई रुद्र, कोई भोलेनाथ के नाम से पुकारता है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। शिव को उनके शिवलिंग और सरल स्वभाव के कारण ही भोलेनाथ कहा जाता है। वहीं अपने सरल स्वभाव से परे भगवान शिव अपने रौद्र रूप और क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब हम सब काम और वासना में घिरे हुए हैं और खुद ही अपने पतन का कारण बन रहे हैं, ऐसे में भगवान शिव हमें इस काम वासना से कैसे बचा जाए, इसके बारे में ज्ञान कराते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव के द्वारा बताए गए उपाय से कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी काम वासना पर काबू पा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं भगवान शिव की इस सीख के बारे में, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को जब भी क्रोध आता है तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसा ही एक प्रसंग है भगवान शिव और कामदेव से जुड़ा हुआ, जब कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया था। कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और अपने पुत्री सती को छोड़कर सारे देवी देवताओं को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया, तो देवी सती अपने पति महादेव का यह तिरस्कार सहन नहीं कर पाई और यज्ञ वेदी में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो वह अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा देते हैं। इससे व्याकुल सारे देवता भगवान शिव को समझाने कैलाश पहुंचते हैं। भगवान शिव देवताओं को समझाने पर शांत तो हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव परम शांति के लिए गंगा तमसा के पवित्र संगम पर आकर समाधि में लीन हो जाते हैं। माँ सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव समस्त संसार को त्याग देते हैं। उनके बैरागी होने से संसार सही से नहीं चल पाता। दूसरी ओर पार्वती के रूप में माता सती का पुनर्जन्म होता है। इस बार भी माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताती हैं, लेकिन भगवान शिव के मन में प्रेम और काम भाव नहीं होता। वह पूर्ण रूप से बैरागी हो चुके होते हैं। इस वजह से भगवान विष्णु और उनके साथ सभी देवता संसार के कामदेव से सहायता लेते हैं। इसके बाद अपने पत्नी रति के साथ कामदेव भगवान शिव के भीतर छुपा हुआ काम भाव जगाने के लिए जुट जाते हैं। कामदेव अपने अनेक प्रयत्नों के द्वारा महादेव को ध्यान से जगाने का प्रयास करते हैं, जिसमें अप्सराएं आदि के नृत्य भी शामिल होते हैं, पर महादेव भोलेनाथ के आगे यह सब प्रयास विफल हो जाते हैं और अंत में कामदेव स्वयं भोलेनाथ को जगाने के लिए खुद को आम के पेड़ के पीछे छिपाकर भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाते हैं। पुष्प बाण सीधे जाकर महादेव के हृदय में लगता है और उनकी समाधि टूट जाती है। अपनी समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं और आम के पेड़ के पीछे छुपे हुए कामदेव को अपनी त्रिनेत्र से जलाकर भस्म कर देते हैं। अपने पति की राख को रति अपने शरीर पर मलकर विलाप करने लगती हैं और भगवान शिव से न्याय की मांग करती हैं। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवता के द्वारा बनाई गई यह योजना थी, तब भगवान शिव ने रति को वचन दिया कि उनका पति यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। बाद में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया और देवी रति से पुनः उनका मिलन हो गया। दोस्तों, ऐसी ही एक और सीख भगवान शिव हमें एक और कहानी के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार शिवजी पर्वतों के बीच एकांत में उपासना कर रहे थे। उनकी पहली पत्नी सती देह त्याग चुकी थी तो शिवजी अकेले हो चुके थे। शिवजी घोर तप कर रहे थे, कोई उनसे मिल भी नहीं सकता था। वे अपनी तपस्या में बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे। एक दिन शिवजी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंची। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव के साथ हो, लेकिन शिवजी तो तप में लीन थे, वे विवाह नहीं करना चाहते थे। हिमाचल राज ने शिवजी से निवेदन किया कि आप यहाँ तप कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो मेरी पुत्री यहाँ रुक जाएगी और वह आपकी सेवा करेगी। तब भगवान शिव कहते हैं,
कि स्त्री संग से विषय की उत्पत्ति होती है। वैराग्य श्रेष्ठ तप, सब बिगड़ जाता है। अगर एकांत में स्त्री हो, मैं यहाँ तप कर रहा हूँ, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। शिव जी ने बात एकदम सही कही थी, लेकिन पार्वती जी भी बहुत गहराई से सोचती थी। तो उन्होंने कहा, आप बार बार कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको यह आभास कैसे है कि यह शरीर स्त्री का है और ये शरीर पुरुष का। यह बात सुनकर शिव जी भी हैरान हो जाते हैं। बड़ी बुद्धिमानी से इस स्त्री ने अपनी बात रखी है। तब शिव जी कहते हैं, आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। शिव जी ने हिमाचल राज से कहा, समय समय पर सीमित अवस्था में यह मेरी सेवा कर सकती हैं और फिर वापस लौट जाए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान शिव हमें सीख देते हैं कि महिला पुरुष के संबंध में कुछ मर्यादाएं होती हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। महिला पुरुष अगर एकांत में हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा संयम रखना चाहिए। एकांत में वासनाएं पनपने लगती हैं और अच्छे अच्छे विद्वान लोगों के मन में भी काम वासना जाग जाती है। इसलिए एकांत में मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।